There was a small village in the south of Spain whose people lived very happy. Spain ke dakshan mein ek chota sa tha jiske log bahut sukhi the. Children played under the shade of trees in the gardens of their homes. Bacche apne ke mein, ki mein the. A shepherd boy named Nasil lived near the village with his father, mother and grandmother. गांव के पास नासिर नाम का एक चरवाहा लड़का अपने पिता माँ और दादी के साथ रहता था एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स टू द हिल्स टू फाइंड सूटेबल प्लेस टू ग्रेस हर सुबह वह अपने बकरियों के झुंड को चरने के लिए उपयुक्त जगह खोजने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था ही यूज टू रिटर्न टू द विलेज विद इन द आफ्टरनून दोपहर में वह उनके साथ गाव लौट जाता था एवरी नाइट हिज ग्रैंड मदर to टू टेल हिम अ स्टोरी द स्टोरी ऑफ द स्टार्स हर रात उनकी दादी उन्हें एक कहानी सुनाती थी सितारों की कहानी दिस स्टोरी रियली इंटरेस्टेड Nasir। इस कहानी में वास्तव में नासिर की दिलचस्पी थी वन ऑफ दोज डेज when नासिर was watching हिज फ्लॉक एंड प्लेइंग हिज फ्लूट he suddenly saw a wonderful light behind a flowering bush. उन दिनों में से एक जब नासिर अपने झुंड को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था उसने अचानक एक फूली हुई झाड़ी के पीछे एक अद्भुत रोशनी देखी वेन ही रीच नियर द बुश ही सो ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल बॉल जब वह झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक पारदर्शी और बहुत सुंदर क्रिस्टल बॉल देखी द क्रिस्टल बॉल वॉज शाइनिंग लाइक अ कलरफुल रेनबो क्रिस्टल बॉल रंगीन इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी नासिर केयरफुली टुक इट इन इज हैंड एंड टर्न इट अराउंड नासिर ने ध्यान से उसे अपने हाथ में लिया और घुमा दिया विथ एस्टोनिशमेंट सडनली ही हर्द अ फेन्स साउंड फ्रॉम द क्रिस्टल बॉल विस्मय के साथ अचानक उसने क्रिस्टल बॉल से एक फीकी आवाज सुनी इट्स सेड यू कैन मेक अ विश दैट योर हार्ट डिजायर्स एंड आई विल फुलफिल इट इसने कहा आप एक इच्छा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है और मैं उसे पूरा करूंगा नासिर कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड एक्चुअली हर्ड अ वॉइस नासर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में एक आवाज सुनी है When ही मेड श्योर दैट ही हैड indeed हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द क्रिस्टल बॉल ही वॉज वेरी कन्फ्यूज जब उसने सुनिश्चित किया कि उसने वास्तव में क्रिस्टल बॉल से वह ध्वनि सुनी है तो वह बहुत भ्रमित था He had so many desires that he could not decide on a particular wish। उसकी इतनी सारी इच्छाएं थी कि वह एक विशेष इच्छा पर निर्णय नहीं ले सकता था ही सेट टू हिमसेल्फ इफ आई वेट अंटिल टुमोरो आई विल रिमेम्बर मेनी थिंग्स उसने अपने आप से कहा यदि मैं कल तक प्रतीक्षा करूं, तो मुझे बहुत सी बातें याद होंगी देन आई विल फुलफिल माई विश तब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा ही पुट द क्रिस्टल बॉल इन अ बैड एंड हैपीली रिटर्न टू दिलेज आफ्टर कलेक्टिंग द हर्ड उसने क्रिस्टल बॉल को एक बैग में रखा और खुशी खुशी झुंड इकट्ठी करके गांव लौट आया ही डिसाइडेड नॉट टू टेल एनी वन अबाउट द क्रिस्टल उन्होंने क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला किया Even the next day, Nasser couldn't decide what he needed because he really had everything he needed. अगले दिन भी नासर तय नहीं कर सका कि उसे क्या चाहिए क्योंकि उसके पास वास्तव में वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था डेज पास एज यूजल बट नासिर वॉज स्टिल अनेबल टू फुलफिल हिज विश हमेशा की तरह दिन बीत गए लेकिन नासिर अभी भी अपनी इच्छा पूरी करने में असमर्थ था बट ही लुक्ड वेरी हैप्पी लेकिन वह बेहद खुश नजर आ रहे थे द पीपल अराउंड हिम व astonished टू सी द चेंज इन हिज नेचर उसके स्वभाव में बदलाव देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए वन डे hid behind बिहाइंड ट्री फॉलोइंग नासिर एंड हिज फ्लॉक एक दिन एक लड़का नासिर और उसके झुंड का पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गया नासिर एज यूजल अ कॉर्नर टुक आउट द क्रिस्टल बॉल एंड लुकट एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स नासिर हमेशा की तरह एक कोने में बैठ गया क्रिस्टल बॉल को बाहर निकाला और कुछ पलों के लिए उसे देखा द बॉय वॉज वेटिंग गेटिंग फॉर द मोमेंट विद नासिर वुड फॉल अ स्लीप लड़का उस पल का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाएगा आफ्टर सम टाइम नासिर फेल अ स्लीप द बॉय रन अवे विद द क्रिस्टल बॉल कुछ देर बाद जब नासिर सो गया तो वह लड़का क्रिस्टल बॉल लेकर भाग गया वेन ही रीच द विलेज ही कॉल्ड ऑल द पीपल एंड शोड देम द क्रिस्टल बॉल जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और उन्हें क्रिस्टल बॉल दिखाई द पीपल ऑफ दैट विलेज टुक द क्रिस्टल बॉल इन हैंड्स एंड ट्विस्टेड इट इन सरप्राइज उस गांव के लोगों ने क्रिस्टल बॉल को हाथ में लेकर आश्चर्य से घुमा दिया सडनली ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड द क्रिस्टल बॉल सेड आई कैन डू योर विश अचानक उन्हें क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक आवाज सुनाई दी जिसमें कहा गया था मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ अ मैन टुक द बॉल एंड शाउटेड आई वॉन्ट बैग फुल गेंद ली और चिल्लाया मुझे सोने से भरा एक बैग चाहिए अनादर टुक द बॉल एंड सेड लाउडली आई वॉन्ट टू बॉक्सेस फुल ऑफ जूल्स दूसरे ने गेंद ली और जोर से कहा मुझे गहनों से भरी दो संदूक चाहिए Some of them wished that they would have their own palace with grand doors made of pure gold instead of their old houses. उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय शुद्ध सोने से बने भव्य दरवाजे वाला अपना महल होगा सम अदर्स विश्ड फॉर अ बैग फुल ऑफ जूल्स कुछ अन्य ने गहनों से भरे बैग की कामना की ऑल हिज विशेज were फुलफिल्ड बट स्टिल दिटिजन ऑफ द विलेज वॉट हैपी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई लेकिन फिर भी गांव के नागरिक खुश नहीं थे दे वन हुड द पैलेस डिड नॉट है गोल्ड एंड द वन हु गोल्ड डिड नॉट है पैलेस वे ईर्ष्या करते थे क्योंकि जिसके पास महल था उसके पास सोना नहीं था और जिसके पास सोना था उसके पास महल नहीं था बिकॉज ऑफ दिसलेज गॉट एंग्री अमंगस एंड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर इस वजह से गांव के नागरिक आपस में नाराज हो गए और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया द विलेज गार्डन वेर द चिल्ड्रन यूज टू प्ले अमो गांव के वे बगीचे जहां बच्चे खेलते थे अब नहीं रहे There were पैलेसेस एंड गोल्ड एवरीवेयर हर जगह महल और सोना था द चिल्ड्रन व डीपली डिसअपॉइंटेड बच्चे बुरी तरह मायूस हो गए ओनली नासिर एंड हिस्स फैमिली वो हैप्पी एंड कंटेंट केवल नासिर और उसका परिवार खुश और संतुष्ट था ही यूज टू प्ले द फ्लूट एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वह हर सुबह और दोपहर में बांसुरी बजाता था One day the children of the village went to Nasir with a crystal ball. एक दिन गांव के बच्चे क्रिस्टल बॉल लेकर नासिर के पास गए द चिल्ड्रन सेट टू नासिर विलेज वी वर ऑल हैप्पी एंड ग्लिसफुल बच्चों ने नासिर से कहा जब हमारा एक छोटा सा गांव था हम सब खुश और आनंदित थे पेरेंट्स ऑल्सो स्पोक माता पिता भी बोले We are all sad in some way or the other. It is the luxurious palaces and jewels that give us pain, he said. हम सभी किसी न किसी तरह से दुखी है यह आलीशान महल और गहने हैं जो हमें दर्द देते हैं उन्होंने कहा वेन नो दैट पीपल वियली रिमोर्सफुल ही सेड इवन दो द क्रिस्टल बॉल आस्ट मी टू वॉन्ट समथिंग आई हैवेंट डन इट येट बट इफ यू रियली वॉन्ट एवरीथिंग टू बी इन इट्स प्लेस जब नासन ने देखा कि लोग वास्तव में पचता रहे हैं तो उन्होंने कहा भले ही क्रिस्टल बॉल ने मुझसे कुछ चाहने के लिए कहा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पर हो इफ यू रिटर्न आई विश फॉर इट अगर तुम लौटोगे तो मैं इसकी कामना करूंगा एवरी वन हैपली अग्रीड सब खुशी खुशी राजी हो गए न क्रिस्टल बॉल इन इज हैंड स्वंग इट एंड विश्ड दिलेज वुड बी द सेम एज बिफोर नासिर ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया उसे झुलाया और कामना की, की गांव पहले जैसा हो जाए In an instant, the palace disappeared, lush gardens appeared, and the same old village was full of trees. एक पल में महल गायब हो गया हरे भरे बगीचे दिखाई दिए और वही पुराना गांव पेड़ों से भरा हुआ था वंस अगेन पीपल स्टार्टेड लिविंग happily, एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज एक बार फिर लोग खुशी खुशी रहने लगे और बच्चे पेड़ों की छाव में खेलने लगे playing his flute at sunset nasir continued his contented life every day सूर्यास्त के समय अपनी बांसुरी बजाते हुए नासिर ने प्रतिदिन अपना संतुष्ट जीवन जारी रखा its melodious sound was heard throughout the beautiful green village इसकी सुरीली आवाज पूरे हरे भरे गांव में सुनाई दी moral we should be happy with what we have and not be greedy मोरल हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए और लालची नहीं होना चाहिए